भाजपा के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सिद्धार्थ मलैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, साथ ही नगर पालिका चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारने का भी ऐलान किया है। बता दें कि सिद्धार्थ मलैया को दमोह विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने निष्कासित किया था। इसकी वजह बताई गई थी कि सिद्धार्थ मलैया ने भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी का विरोध किया और राहुल लोधी ने भी अपनी हार का कारण मलैया परिवार को ही बताया था। सिद्धार्थ मलैया ने कहा कि दमोह में जिस तरह से भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी बड़ी है, मैं उसको खत्म करना चाहता हूं और मैं भाजपा से इस्तीफा देकर कुछ करने का सोच रहा हूं। उधर भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने कहा है कि सिद्धार्थ मलैया को जिस पार्टी में जाना हो वो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र गौतम से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जितेंद्र, दमोह उपचुनाव की नाराजगी और निकाय चुनाव से पहले इस्तीफा, कितना असर इसका पड़ेगा आगामी चुनाव पर और बीजेपी पर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ मलैया जो है भाजपा के कद्दावर नेता तथा पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पुत्र हैं और विधानसभा उपचुनाव में जो है स्पष्ट रूप से इन पर यह आरोप लगे थे कि इनके द्वारा पार्टी के प्रति भीतरघात किया है। और जो दमोह विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी राहुल लोधी खड़े थे तो उनके लिए हराने में इनकी भूमिका रही है, इस तरीके के इन पे आरोप लगे थे और जिस कारण से इन्हें पूर्व में पार्टी के द्वारा निष्कासित भी कर दिया गया था। और वही अगर आज के हालात देखे जाए तो जो सिद्धार्थ मलैया उनके द्वारा पार्टी से अपनी प्राथमिक की सदस्यता से जो इस्तीफा दे दिया गया है और इसका जो दमोह में होने जा रहे नगरीय चुनाव हो उस पर कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बहुत कुछ भोगना पड़ सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर नगरीय प्रशासन के जो चुनाव है उसमें असर पड़ेगा। क्योंकि बताना चाहूंगा कि जयंत मलैया जो कद्दावर भाजपा के नेता है और दमोह शहर में जो है एक अच्छी उनकी पैड बनी हुई है, लिंक बनी हुई है और जिस कारण से कहीं ना कहीं नगरीय चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। जी शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए जितेंद्र।